प्यारे विद्यार्थियों हमने पिछली क्लास में दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाना था आज हम स्वर संधि का दूसरा भाग गुण संधि के बारे में जानेंगे गुण संधि गुण संधि की परिभाषा होती है आद गुण गुण संधि की परिभाषा होती है आद गुण क्या होता है इसमें यदि या आ के बाद अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आ जाए तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर ए हो जाता है इसके बाद यदि अ या आ के बाद ओ या बड़ा ओ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है इसके बाद अ या आ के बाद में री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है और यदि अ और आ के बाद में री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है पहचान क्या होती है संधि की पहचान यदि शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए या ओ की मात्रा एक मात्रा ए या ओ की मात्रा एक मात्रा एक मात्रा का मतलब हमारा है कि दूसरे या तीसरे वर्ण पर इस प्रकार से ऊपर एक डंडा दिखाई दे या फिर शब्द में अर या अल दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होगी यदि शब्द में ए और ओ की मात्रा कहां पर दूसरे या तीसरे वर्ण पर या फिर अर या अल दिखाई दे तो वहाँ संधि होगी नियम क्या कहता है इसका नियम नियम कहता है अ या आ के बाद में ई या ई दिखाई दे तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर ए बन जाता है अ और आ के बाद में यदि ऊ या ऊ दिखाई देता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर ओ बन जाता है इसके बाद अ या आ के बाद यदि आपको री दिखाई दे तो दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश हो जाएगा और अ और आ के बाद यदि आपको री दिखाई दे तो दोनों वर्णों के स्थान पर अलादेश हो जाएगा जैसे उदाहरण है हमारा पहला उदाहरण है उपेंद्र उपेंद्र में देखिए प के अंदर उपेंद्र उपेंद्र में उपेंद्र उपेंद्र में आप देखिए प के ऊपर आपको एक डंडा दिखाई देता है अर्थात ए की मात्रा दिखाई दे रही है अब यहाँ पर एक की मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सी संधि हो गई गुण संधि अब ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ए बनाने के लिए हमें चाहिए अ ए बनाने के लिए हमें चाहिए या पहला वर्ण तो हमारा होगा अ या आ और उसके बाद में यदि आपको ई या ई हो तो ए बनता है तो उपेंद्र में हम क्या करेंगे पहले इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा उप प्लस इंद्र उप प्लस इंद्र अब उप प्लस इंद्र है तो इसमें आपको देखिए क्या है उप के अंदर प के अंदर अ है और उसके बाद में इंद्र में कौन सी मात्रा है पहले ई की मात्रा है तो यहाँ अ और ई मिलके क्या बन जाएगा ए बन जाएगा और हमारा उदाहरण हो जाएगा उपेंद्र इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है सूर्योदय सूर्योदय दे में देखिए यह के ऊपर आपको एक मात्रा अर्थात की मात्रा दिखाई दे रही है ओ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ओ बनाने के लिए पहले हमें अ आ या आ वर्ण चाहिएगा उसके बाद में हमें छोटा या बड़ा ओ चाहिएगा तो ये दोनों बन के ओ बन जाएगा तो अब इसके विग्रह क्या होगा इसका विग्रह होगा सूर्य प्लस उदय सूर्य में देखिए अ के अंदर क्या है सूर्य में अ के अंदर सॉरी सूर्य में य के अंदर अ है उसके बाद में उदय में क्या वर्ण आ गया वर्ण आ गया गया? गया और और मिलके क्या बन बन हमारा उदाहरण हो गया इसके बाद में इसके बाद में हमारा उदाहरण है महर्षि हमारा उदाहरण है महर्षि महर्षि में देखिए ह के अंदर क्या है ह के अंदर अस्वर है और इसके बाद में ऊपर आधा क्या है पर आधा है र तो शब्द बन जाता है अर तो हमें महर्षि में अर दिखाई दे दिया तो कौन सी संधि का उदाहरण हो गया ये ये गुण संधि का उदाहरण हो गया अब अर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था अर बनाने के लिए हमें पहले चाहिए अ या आ या और उसके बाद में हमें चाहिए री की मात्रा तो अ और आ के बाद यदि री हो तो ही अर बनेगा तो यहाँ इसके महर्षि के टुकड़े होंगे प्लस ऋषि महा में देखिए ह के अंदर आ की मात्रा है और उसके बाद में ऋषि का क्या आ गया री आ गया आ और री मिलके क्या बन गया आ और री मिलके बन गया हमारा अर और हमारा इस प्रकार से उदाहरण हो जाता है महर सी इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा तवलिकार तवलिकार के अंदर देखिए व के अंदर क्या है व के अंदर अ है और उसके बाद में आधा क्या है ल है तो यहाँ शब्द बन गया अल अब शब्द में हमें अल दिखाई दे दिया तो कौन सी संधि हो गई गुण संधि हो गई अब अल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए अल बनाने के लिए हमारा पहला वर्ण अ या आ होना चाहिए और उसके बाद में होना चाहिए तो अब हमारा क्या बन शब्द बन जाएगा अल बन जाएगा तो इसके उदाहरण होते हैं तव प्लस लिकार। तव प्लस लिकार अब वह के अंदर देखिए व के अंदर क्या है वह के अंदर है अ और उसके बाद में आगे क्या आ गया री अ के बाद में री आ गया तो शब्द बन गया हमारा अल और उदाहरण हो जाएगा तव रिकार तव रिकार इसके बाद में हमारे इसी प्रकार से और उदाहरण होते हैं देखिए यहाँ है उदाहरण गणेश गणेश में देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा आ गई अर्थात एक नंदा आ गया गुण संधि है तो इसका विग्रह होगा गण प्लस ईस अर्थात अ अ के बाद में क्या आ गया ई आ गया तो यहाँ पर हमारा वर्ण बन जाएगा ए इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा परमोदार परमोदार का देखिए इसमें म के ऊपर एक मात्रा था तो ओ दिखाई दे दिया ये गुण संधि का है तो इसके टुकड़े होंगे परम प्लस उद्धार परम म के अंदर क्या है म के अंदर अ है उसके बाद में ये क्या है ओ अ के बाद में ओ की मात्रा है तो दोनों मिलके क्या बन गए दोनों मिलके बन गए ओ और उदाहरण हो गया हमारा परमोदार इसी प्रकार से अगला है उदाहरण हमारा वर्ष तु अब इसमें देखिए इसमें भी क्या है इसमें व के अंदर यहाँ पर स के अंदर है आ गया और ऊपर आधा र आ गया तो यहां पर शब्द क्या बन गया यहाँ पर शब्द बन गया अर अर बन गई, तो इसका टुकड़ा क्या होगा वर्षा प्लस वर्षा प्लस ऋतु में के अंदर क्या है आ की मात्रा है आगे क्या है आगे री है आ और री बन के क्या बन जाएगा अर बन जाएगा और उदाहरण हो जाएगा हमारा वर्ष तु वर्षा ऋतु इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा उप उप लकारियती। उप लकारियती में देखिए प के अंदर क्या है अ और आगे क्या है ल तो यहां पर बन जाएगा हमारा अल अल बन गया तो अब इसके टुकड़े क्या होंगे उप प्लस रिकारित अब उप में प के अंदर क्या है प के अंदर है अ और आगे क्या है री तो यहां पर हमारा बन जाएगा अल इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण है हमारा महोत्सव महोत्सव में देखिए क्या है महोत्सव में ह के अंदर ओ की मात्रा दिखाई दी अर्थात एक मात्रा दिखाई दे दी तो गुण संधि का उदाहरण है इसकी टुकड़ी होंगी महा प्लस उत्सव अब ह के अंदर क्या है के अंदर आ की मात्रा है आगे क्या है आगे है ओ और ओ मिलके क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा महोत्सव महोत्सव विद्यार्थियों आज हमने गुण संधि के बारे में जाना धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैक एंड जिल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एन टी एस सी एन डी ए क्लैट जेई Neat and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.